रक्षाबंधन, लेखक स्वामी तनिष्ठानंद, नागपुर। रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र स्नेह संबंध और प्राणपन से बहन की रक्षा हेतु भाई के दृढ़ संकल्प और कटिबद्धता का द्योतक है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन अपना संपूर्ण प्रेम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उड़ेल देती है। भाई इस अवसर पर कुछ उपहार देकर भविष्य में संकट के समय सहायता देने का वचन देता है और बहन भगवान से अपने भाइयों की प्रगति के लिए प्रार्थना करती है। सबसे पहले भगवान को राखी बांधी जाती है। प्रकृति के संरक्षण हेतु आजकल वृक्षों को भी राखी बांधने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष सदस्य परस्पर भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी बांधते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए यह स्वस्ति वचन किया था, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वामपि बध्यानामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे राखी, तुम अडिग रहना, अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व। महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था, तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने एक भाई का कर्तव्य निभाते हुए चीरहरण के समय बहन द्रौपदी की रक्षा की थी। पौराणिक प्रसंग। देव और दानवों में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब दानव देवों पर भारी पड़ने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पर पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। कहते हैं राजा बलि ने रसातल में रहते हुए अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। वो उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है।
ऐतिहासिक प्रसंग। मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंग अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रक्षाबंधन पर्व की भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए भी इस पर्व का सहारा लिया गया था। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्यौहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे तथा एकता का प्रतीक बनाकर इस त्यौहार का राजनीतिक उपयोग आरंभ किया। सन 1905 में उनकी प्रसिद्ध कविता मातृभूमि वंदना का प्रकाशन हुआ, जिसमें वे लिखते हैं, हे प्रभु, मेरे बंग देश की धरती, नदियां, वायु, फूल सब पावन हो। प्रभु, मेरे बंग देश के प्रत्येक भाई बहन के ऊर अंतस्थल अविच्छिन्न, अविभक्त एवं एक हो। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग करके वंदे मातरम के आंदोलन से भड़की एक छोटी सी चिंगारी को शोलों में बदल दिया। 16 अक्टूबर 1905 को वंग भंग की नियत घोषणा के दिन रक्षाबंधन की योजना साकार हुई और लोग बाग गंगा स्नान करके सड़कों पर यह कहते हुए उतर आए, सप्तकोटि लोकेर करुण क्रंदन सुनिले सुनेना कर्जन दुर्जन, ताई नीते प्रतिशोध मोनेर मतन करि आमि स्वजने राखी बंधन। धार्मिक प्रसंग। इस त्यौहार को उत्तरांचल में श्रावणी कहते हैं। इस दिन उत्सर्जन स्नान विधि ऋषि तर्पणादि करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्यौहार माना जाता है। ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपनी पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। महाराष्ट्र में यह त्यौहार नारली पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। यही कारण है कि इस एक दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट नारियल के फलों से भर जाते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने की प्रथा है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुंदना लगा रहता है। यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भावियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। वृंदावन में भगवान भाव के भूखे हैं और जैसे भक्त का भाव वैसा ही उसका भगवान से नाता जुड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कोई मित्र सखा के रूप में पूछता है तो किसी ने उन्हें अपना भाई बना लिया है। देश विदेश में ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने बांके बिहारी को अपना भाई बना लिया है और हर रक्षाबंधन पर यदि वे स्वयं नहीं आती तो कुरियर या डाक से अपनी राखी भेजना नहीं भूलती। राखी के साथ ही अपने आराध्य के लिए चिट्ठियां भी भेजती हैं। उन सबका भाव एक ही रहता है कि भगवान उनकी राखी का सम्मान रखकर जीवन भर अपनी कृपा उन पर बनाए रखें। रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा भेजी गई राखियां
ठाकुर जी को समर्पित की जाती है और उनकी भेजी गई चिट्ठी भी सेवकों द्वारा ठाकुर जी को पढ़कर सुनाई जाती है। बहनों की ओर से सेवकों द्वारा ठाकुर जी से प्रार्थना भी की जाती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करने की ठाकुर जी से विनती की जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन। बहन सुभद्रा इस दिन अपने दो भाई बलभद्र जी और जगन्नाथ जी को राखी बांधती हैं। पाटड़ा बिसोई समूह के पुजारी चार राखियां बनाते हैं। जगन्नाथ जी की राखी लाल पीले रंग की होती है तो बलभद्र जी की राखी नीले जामुनी रंग की होती है। इसी दिन भगवान बलभद्र का जन्मदिन भी मनाते हैं। बलभद्र जी काश्तकारों के देव माने जाते हैं, इसलिए काश्तकार इस दिन अपने हल की पूजा करते हैं। बलभद्र जी का जन्म गौ माता से जुड़ा है, इसलिए गौ माता को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। उनके सिंह को राखी बांधते हैं और उनके गले में फूल की मालाएं डालते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के मीठे पीठे बनाकर खिलाते हैं, इसलिए इसे गम्हा पूर्णिमा भी कहते हैं। ऊंची जगह उपहार बांधते हैं जिसे बच्चे ऊंची छलांग लगाकर खींच लेते हैं। इस प्रतियोगिता को गम्हाडिया कहते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन त्योहार जनमानस में अपनी उज्ज्वल गरिमा से अक्षुण्ण है। जय श्री राम कृष्ण।